पर आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और उसके लिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे रखी है लैमडा स्क्वेयर माइनस लैमडा माइनस वन इक्वल्स टू जीरो अगर यहाँ से हम लैमडा के इस इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा प्लस वन प्लस माइनस स्क्वेयर रूट वन प्लस माइनस फोर सॉरी वन प्लस फोर डिवाइडेड बाई टू और इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मिलेगा वन प्लस माइनस रूट फाइव अपॉन टू यहाँ से हमें लिमिट सॉरी यहाँ से जो रूट्स मिल रहे हैं वो डिस्टिंक्ट मिल रहे हैं और नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हैं इसका मतलब जो मैट्रिक्स है उसकी कोई भी आइगन वैल्यू ज़ीरो नहीं है इसका मीनिंग हुआ कि डिटर्मिनाट प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज नॉन ज़ीरो होगा नॉन जीरो होगा तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो सबसे पहले तो यही चेक करना है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है क्योंकि ऑप्शन ए में आपको ये था अब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो आपका ऑप्शन ए यहाँ से रॉन्ग हो जाता है अब इन्वर्स को फाइंड आउट करेंगे क्योंकि रिमेनिंग ऑप्शन बी सी डी में आप देख सकते हैं कि ए इन्वर्स आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो कैले हैमिल्टन थेरम ये कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इस कंसेप्ट को अगर मैं यूज करता हूँ तो ए स्क्वेयर माइनस ए माइनस वन या आइडेंटिटी इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर यह लिखेंगे क्योंकि मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो मैं दोनों साइड ए इन्वर्स से प्री मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो ये मिलेगा हमें ए माइनस आइडेंटिटी माइनस ए इनवर्स इक्वल्स टू जीरो और इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस आई इक्वल्स टू ए इनवर्स इस तरह आप यहां पर देख सकते हैं ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा